नमस्कार, गुड मॉर्निंग गुजरात समाचारोनी સાથે હું છું હિના। બુલેટિનની શરૂઆત કરીએ। ગુજરાતમાં આગામી 48 કલાક સુધી કોલ્ડ વેવની અસર અનુભવાશે। સૌરાષ્ટ્રના પોરબંદર અને રાજકોટ તેમજ કચ્છમાં લોકોને આગરી ઠંડીનો અહેસાસ થવાનો છે। તો બનાસકાંઠા, અમરેલી, અમદાવાદ, ગાંધીનગરમાં હાડ થીજવતી ઠંડી પડશે, જ્યારે કચ્છના નલિયા અને બનાસકાંઠાના લાખણીમાં બરફની ચાદર છવાઈ ગઈ। बनासकाठा, अमरेली, अमदावाद, गांधीनगर में पण बे दिवस लोकोए आकरी ठंडीनो चमकारो सहन करवो पड़शे। हवामान विभागना मते 48 कलाक बाद राज्यमां उत्तरना पहाड़ोमांथी आवता कातिल पवनोनो जोर घटशे, जेना पगले गुजरातमां ठंडीमां राहत मळशे अने तापमाननो पारो 2-4 डिग्री सुधी वधी शके छे। अगले 5 दिन में पूरे गुजरात में वेदर ड्राई रहेगा और नाइट टेम्परेचर अभी जो अगले 24 आवर्स के लिए नो लार्ज चेंज रहेगा, यानी इंक्रीजिंग ट्रेंड में रहेगा, रादर 1-2 डिग्री बढ़ सकता है, उसका बाद 24 आवर्स का बाद फर्दर राइज होने का संभावना है बाय 2-4 डिग्री सेल्सियस।